Hare Krishna. So this brings us to the 15th verse of the 6th chapter of Bhagavad Gita entitled Dhyana Yoga. हम अब तक देखते आ रहे हैं किस प्रकार भगवान अर्जुन को बताते हैं कि एक योगी जो सही में मुझे प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक है, कार्यशील है, वह भौतिक रस, भौतिक इंद्रिय, भौतिक मन, इन सभी अवस्थाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। इन सबसे ऊपर उठना आसान है क्या? नहीं। इन सबसे ऊपर उठेंगे? यस। लेकिन उसके लिए भरसक प्रयास करना होगा। तो भगवान यहां बताते हैं, युञ्जनेनैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थां अधिगच्छति। Thus practicing constant control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God by cessation of material existence. So हमने देखा किस प्रकार पिछले चार श्लोकों में भगवान ने आसन से लेकर के प्रत्याहार, आसन अर्थात उसने कुशाग्रास के ऊपर एक डियर स्किन डाली, उसके ऊपर एक छोटा क्लॉथ लगाया, उसके बाद अपने पूरे शरीर को स्ट्रेट किया और अपनी नाक की सीध में वो देख रहा है, नाक के बिंदु को वो देख रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। सो आसन और प्राणायाम, ये दोनों स्टेजेस कवर की। अब भगवान कहते हैं प्रत्याहार, प्रति आहार। He is not looking for enjoyment externally, he is looking for enjoyment internally. But the process of going inward is not easy. इसलिए भगवान यहां बताते हैं कि युञ्जन एवं सदा आत्मानम। So युञ्जन सदा, युञ्जन means to be engaged, सदा means constantly. So अपने नियत मानस, अपने मन और इंद्रियों को सदैव कंट्रोल में रखने का प्रयास करता है। इसमें वो कभी कभी फेल होगा, फिर भी वो उठेगा। वो फेल होगा फिर उठेगा, वो फेल होगा वो फिर उठेगा। प्रयास करते रहना है। मैं मराठी में कहावत है, प्रयत्नांति परमेश्वर। अगर हम भरसक प्रयास करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। भगवान भगवत गीता में भी इसी अध्याय में आगे बताएंगे, जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे अपने मन को कंट्रोल करना असंभव है, तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, टू फॉर्मूला। फर्स्ट इज अभ्यास। अभ्यास यानी जब व्यक्ति शुरू करता है तो फर्स्ट टाइम में पीएचडी कर लेता है क्या? नहीं, वो फेल होगा, वो ही विल नॉट गिव अप, वो फिर से फेल होगा। He will not give up. He will again try. He will fail. He will not give up. Essence is not giving up. Essence is not about how many times we have failed. Essence is, have I stopped trying? We must try. भरसक प्रयास, भरसक प्रार्थनाएं, यही है आध्यात्मिक जीवन की नींव। हम देखते हैं भौतिक जगत और उसका एक्सपीरियंस इस बोगनविलिया की तरह है। सुंदर दिख रहा है, बहुत ही पिंक। पिंक इज द कलर ऑफ रोमांस, जिस पर आज पूरा भौतिक जगत टिका है। लेकिन ये बोगनविलिया का फूल बहुत ही पतला होता है, इसके अंदर ना खुशबू है, और जैसे ही हम निकालेंगे आधे घंटे में वो सूख जाएगा। So, हमारा आध्यात्म, हमारा भौतिक अस्तित्व भी ऐसा ही है। एनी मटीरियल प्लेजर, इट ओनली लुक्स वेरी नाइस, बट एक्चुअली इट हैज नो टेस्ट, नो स्मेल एंड नो लॉन्गेविटी। दैट्स व्हाई द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट टू गेट अट्रैक्टेड टू दिस मटीरियल स्फीयर एंड द ब्यूटी दैट इट प्रोजेक्ट्स। व्हेन वी ट्रांसेंड दिस विद कॉन्स्टेंट एंडेवर, That is the perfection of yoga. भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता रहेगा, निश्चित रूप से मत संस्थान,
he will come to my abode. Adhigachyati. So here again we see Krishna is not impersonal. Krishna's abode is also not impersonal. अगर हम भगवान के प्रति रुचि रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ऐहिक जीवन में थोड़ा सा वी आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज, वी आर एबल टू लेट थिंग्स गो, वी विल डेफिनेटली एंटर और बी एबल टू सी कृष्णाज वंडरफुल ब्यूटिफुल मैग्नानिमस स्पिरिचुअल अबोड मत संस्थान माई अबोड विच इज नॉट इम्पर्सनल. So dhyana yoga does not mean that we try to become impersonally one with God. No, agar impersonal hota to mat samstham is shabd ka koi artha hi nahi tha, uski wajah hi nahi thi. Krishna is not impersonal, his abode is also not impersonal. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna, 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 Krishna.